सभी भाइयों को ट्रांसपोर्ट लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुरदेव सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं जो मानपुर है, खलघाट है, इंदौर की तरफ से जो बॉम्बे रास्ता जाता है उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो है भाइयों एक जो डैम लगाया हुआ था मिट्टी का, वो डैम टूटने वाला, उसी वजह से भाइयों ये बड़ा अलार्म कर दिया है। और पुलिस वालों ने जाकर गांव-गांव में कैसे लोगों को किया सूचित, और ट्रक चालक हो जाएं सावधान अगर उस रूट पे जा रहे हैं, क्योंकि डैम का है जो काफ़ी स्थिति खराब है। तो कैसे दिल दहराने वाली जो डैम के ऊपर व्यक्ति कुछ घूम रहे थे, कैसे वहां पे एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। बारूदपुरा वाला तालाब जो छूटने की तैयारी चल रही है ना, या मान के चलो एक आधे घंटे के अंदर में इसकी तैयारी फूटने वाली है। ये नज़ारा देखो, इतनी सारी भीड़ हो गई है, पलास से लग के सब दूर का रास्ता बंद कर दिया आने जाने वाला, फूटने की तैयारी फुल फाल है। गाँव वालों से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने घर छोड़ के और इधर मुझे पे आ जाए। सभी लोग घरों से बाहर निकलना है, कृपया करके घरों के अंदर कोई नहीं रहे। डैम से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकले, सभी लोग बाहर आ जाएं। जी हाँ, आपने देखा होगा खलघाट जो मध्य प्रदेश में पड़ जाता है और मानपुर की तरफ जो है ट्रकों की आवाजाही रहती है, गुजरी घाट होकर जो बॉम्बे की तरफ गाड़ियां जाती है या मालेगांव की तरफ, तो उस घाट में जो ट्रक चालक है, फोर लाइन रास्ता है, उस रास्ते को अलर्ट कर दिया, कभी भी वो रास्ता डूब जाएगा, क्योंकि खलघाट में जो डैम लगा है वो टूटने वाला है। जितने भी वहाँ पे गांववासी है उनको सूचित कर दिया गया है कि अपने अपने जो सुरक्षित जगहों पे चल जाएं, अगर ट्रक चालक भी उस रूट पे जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि वो रास्ता जो है कल से बंद कर दिया गया है। तो आप लोगों का क्या कहना, अगर आप वो लोग भी उसी रास्ते पे फंसे हुए तो हमारे को अच्छी जानकारी दे, कमेंट करके ज़रूर बता दे कि यहाँ पे ये जो स्थिति है इस टाइम रास्ता खुला है या नहीं खुला है। तो आप लोगों का क्या कहना है पूरे जो इस घटना को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताए। इसी तरह हम देश में लगातार आपको खबर दिखाते, अगर हमारा काम अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपके पास भी कोई जानकारी, दिए गए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो बनाकर हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।